नगर की सामाजिक कार्यों से सरोकार रहने वाली संस्था युवा शक्ति संगठन YSS ग्रुप के द्वारा आज नगर के गोपाल गौशाला में गलवान घाटी में शहीद हुए भारतीय जवानों की याद में पौधरोपण किया गया और अंचल के इस सबसे पुराने गौशाला को हरा भरा बनाने का संकल्प लिया गया। यह सबसे अनोखी श्रद्धांजलि थी। गलवान घाटी में शहीद हुए भारतीय जवानों को जब उन्हें हमेशा याद रखने के लिए इस संस्था के युवाओं द्वारा इस गौशाला में छायादार व फलदार वृक्ष लगाए गए। इस अवसर पर संस्था द्वारा छायादार व फलदार पेड़ जैसे आम, जाम, जामुन, नीम व दूसरे अन्य प्रजाति के पौधे रोपे गए। साथ ही उन्हें बड़े होने तक उनकी देखरेख करने की शपथ ली गई। उनको ट्री गार्ड व जाली से घेरा गया। नगर की सक्रिय समाज सेवी संस्था होने के चलते प्रतिवर्ष बारिश के दिनों में पौध लगाने का अभियान चलाया जाता है। इसी के मद्देनजर इस वर्ष भी बारिश काल में इस अभियान की शुरुआत हो गई है और आगे भी यह कार्यक्रम जारी रहेगा। YSS के सदस्य संभव बापना, जो कि 15 साल के हैं, उन्होंने भी अपने जन्मदिन पर अपने नाम का एक पौधा लगाया और देख रेख का संकल्प लिया। इसे समाज में एक अच्छा संदेश भी जाएगा। संगठन के अध्यक्ष अजय गोयल ने बताया कि बिगड़ते हुए पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए हर व्यक्ति को अपने आसपास एक पौधा जरूर लगाना चाहिए। एक पौधों को लगाने से लेकर बड़े होने तक सुरक्षित भी रखने का संकल्प भी लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज पर्यावरण और भूजल स्तर को बचाने के लिए हम सबको पौधा लगाना बहुत जरूरी है। इस नेक कार्य में संस्था के कौशल अग्रवाल, प्रदीप बागनी, अभिजीत चौधरी, संभव बापना, हेमंत आसानी, विकास बापना, कृष्णा भाटिया, हरमिंदर सिंह, पायल बापना, रिंकू अग्रवाल, कोनिका सिंह, अंजलि अग्रवाल, मुस्कान अग्रवाल, सुकाराम कंसारी, नागेंद्र निषाद, पूर्व पार्षद भूपेंद्र सोनी, खिलेश साहू, वीरेंद्र साहू, सुजीत यादव के साथ ही महानदी बचाओ ध्यान समिति के भी सदस्यगण उपस्थित थे। YSS ग्रुप द्वारा स्थानीय गोपाल गौशाला में अलग अलग प्रजातियों के पेड़ इस तरह से रोपित किए गए कि जैसे ही पेड़ बड़े होंगे उनसे निश्चित हरियाली यहाँ के विशाल जगह में बिखरेगी, जिससे यहाँ खुले में विचरण करने वाले गाय माताओं को छाँव मिलेगी, जिसका पुण्य भी संस्था के सदस्यों को मिलेगा। DNX TV के लिए नवापारा राजिम से विश्वेश्वर हिरवानी की रिपोर्ट। मैं संभव आफना, आज मेरा जन्मदिन है और मैंने आज अपने जन्मदिन पर एक वृक्ष लगाया है और मैं इस वृक्ष को दिलो जान से सेवा करूंगा और इसे मैं पेड़ बनाते रहूंगा और इसकी देख रेख करूंगा। मैं और सभी से अपील करता हूं कि आप भी अपने जन्मदिन पर पेड़ लगाएं, वृक्ष लगाओ, जीवन बचाओ। YSS ग्रुप के मेंबर होने के नाते मैं आपको एक ही संदेश देना चाहूँगी कि प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, जैसे कि अभी जो आपदाएँ, जो प्राकृतिक आपदाएँ आ रही हैं उसको देखते हुए मैं एक संदेश देना चाहती हूँ आपको कि जितने ज़्यादा पेड़ पौधे आप लोग लगाओगे उससे हमारा जो वातावरण है वो शुद्ध होगा और जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो भी इससे पेड़ पौधे लगाना सीखेगी, जो कि बिल्कुल पेड़ पौधे लगाना अभी की जनरेशन में बिल्कुल कम होते जा रहा है। तो हम लोग ने एक YSS ग्रुप के द्वारा एक नया प्रण लिया है कि जितने ज़्यादा पेड़ लगाएंगे और हरियाली फैलाने का, और आज जो पौधा जो हमने लगाया है ये जो गलवान घाटी जो है उसमें जो शहीद हुए जो सैनिक हैं, जवान हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए लगाया है। और आज हमने प्रण लिया है कि जो आज पौधा लगाया है इसको हमने पेड़ बनाते थे, हम इसकी सेवा करेंगे, रक्षा करेंगे। पौधरोपण किया जा रहा है तो इसके पीछे उद्देश्य क्या बताएंगे? गलवान घाटी में हमारे देश के जो सैनिक शहीद हुए हैं उनके श्रद्धांजलि में के साथ साथ बदलते हुए पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए हमारी संस्था युवा शक्ति संगठन YSS नयापारा द्वारा गोपाल गौशाला नयापारा राजिम में आज वृक्षारोपण किया जा रहा है। हम चाहते हैं लोगों से भी कि वो समय समय पे अपने अच्छे जगहों का चयन करके वृक्षारोपण करें ताकि पर्यावरण सुरक्षित रहे, आप और हम सब सुरक्षित रहें, यही हमारे युवा शक्ति संगठन नयापारा का मुख्य उद्देश्य है। जो वृक्षारोपण किया जा रहा है इस पर प्रकाश डालेंगे, बोलिए। मैं कौशल अग्रवाल, नवापारा का निवासी,
गलवान घाटी में शहीद जवानों को मेरा नमन है और उनकी याद में आज गोपाल गौशाला नवापारा नगर में युवा शक्ति संगठन द्वारा वृक्षारोपण किया जा रहा है। वृक्षारोपण मैं आपसे अपील भी करता हूं कि आप भी सब वृक्षारोपण कीजिए और पेड़ ऐसा लगाइए जो सुरक्षित रहे, सही रहे और हो सके तो फलदार वृक्ष लगाइए जो आने वाली पीढ़ी के काम भी आए। भारत माता की जय। ऐसे तो वाईएसएस ग्रुप की तरफ से रोज ही कोई ना कोई प्रयास नया किया जा रहा है, पर अभी हाल में ही गलवान घाटी में जो शहीद हुए हैं उन सैनिकों की याद में कोई दीपक जला रहा है, कोई कुछ सराहनीय कार्य कर रहे हैं, पर ये वाईएसएस ग्रुप नवापारा राजिम वृक्षारोपण के द्वारा उन शहीदों को एक नई श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है। ऐसे तो उन सैनिकों की क्षति को कुछ भी करके पूरा नहीं किया जा सकता, पर ये हमारे वाईएसएस ग्रुप के छोटे छोटे बच्चे हैं जो वृक्ष लगा के उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं ताकि आने वाले बच्चों के लिए और जो भी इस संस्था से जुड़े हैं उनके लिए एक यादगार बनी रहे कि हमने उन सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक नया प्रयास किया था।